अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अबीरा खान सैर पार्लर चैनल से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेमेडी कि आप घर में एक 20 रुपए में अपने हाथों को जो है वो कैसे ग्लॉसी बना सकते हैं, वो भी ब्लीच के ज़रिए। तो आज हमारे पास है फायज़ा, ये जी इसके साथ एक हमारे लोशन भी मिला हुआ है और बूस्टर भी है, आयुर्वेदिक लिखा हुआ है और पीच है इसका साल्ट। इसको करते हैं हम ओपन और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये है जी पाउडर, इसका बहुत ही खूबसूरत पैकिंग की हुई है। इसका जो वेट है वो 5 ग्राम है। अच्छा, ये इसके अंदर है सूथिंग लोशन और ये है जी ब्लीच क्रीम। अब हम इसको दो तरह से टेस्ट करेंगे, एक हम बनाएंगे सिंपल और एक में हम ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। ये हाफ इसमें हमने ये ऐड किया और अब ईद आने वाली है तो आप ईद के आने से पहले पहले अपने हाथ पांव जो है वो गोरे गोरे चिटे चिटे कर लें। इन कैप्सूल्स का ये फ़ायदा है कि जो आपके हाथों पे ड्राइनेस होती है सर्दियों की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ आपको अपनी केयर तो करनी पड़ती है, केयर से ही आपकी जो है ना चीज़ें ठीक रहती हैं। बाल हैं तो उनकी भी इसी तरह केयर करनी पड़ती है, अगर आप केयर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उलझ जाएंगे और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है इसी वजह से। ये सूदिंग लोशन है, ये दोनों में हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये अफोर्डेबल है, ये मैं इसलिए रेमेडी बनाई है कि सबको इससे फ़ायदा हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर में भी बना सकते हैं ये चीज़ें। इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल, उसको हम सिंपल रहने देंगे और दोनों की करेंगे एप्लीकेशन और देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हो, 4 भी ऐड कर सकते हो, 3 भी, 1 भी, जितना आप पसंद करते हो। अब करेंगे हम इसकी मिक्स, ये जी दोनों की करेंगे मिक्स। ये हम कर रहे हैं जी मिक्सिंग, इसकी मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है इसकी। ताकि जो पाउडर है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तैयार हो गई है और ये जी है हमारी फार्मूला वाली जिसमें हमने विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। इसके टेक्सचर में भी फ़र्क आएगा, ये देखें ये किस तरह मिक्स हो रही है और मिक्स हो के कैसी नज़र आ रही है, और जो हमने सिंपल वाली मिक्स की है वो कैसे नज़र आ रही है। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन आपके सामने ही लाइव। ये है जी हमारी विटामिन ई कैप्सूल वाली, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगा के हम छोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। क्या वाकई ही इससे ग्लॉसी हो जाएंगे या नहीं।
इसको हम करेंगे साइड पे। और ये है जी हमारी सिंपल वाली जो हमने तैयार की है। दोनों को हम 10 मिनट का टाइम देंगे सेम। ये जी दोनों पे हमारी एप्लीकेशन हो गई है और अब करते हैं हम वेट 10 मिनट। नेल्स पे भी आप लगा सकते हैं, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। लगाएंगे तो ये आपके नेल्स जो हैं ये नीट हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो अब 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं इसको साफ़ और देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। ये एप्लीकेशन पहले हमने इस पे की थी, ये बिल्कुल हमारी सिंपल ब्लीच तैयार हुई थी। इसको साफ करते हैं और देखते हैं कि ये देखें जी नीट हो गए। अब देखते हैं कि ग्लॉसिंग हमारी आई है या नहीं, जो हमने सेकंड साइड पे एप्लीकेशन इसकी की थी। ये हमारा सेकंड वाला हाथ है, ये देखें कौन सा ग्लॉसी लग रहा है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं, रिजल्ट्स इस पे भी आए हैं ब्लीच के, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ड्राई है, ठीक है। और इसमें हमने विटामिन ई कैप्सूल ऑयल जो है वो यूज़ किया था। और ये देखें ये कितनी स्मूथ हो गई है स्किन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रेमेडी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रिज़ल्ट्स कैसे लगे हैं।